ओमान की राजधानी मस्कट से जब हम दूर निकले यहाँ पर आए तो इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिला। नज़ारा कुछ अलग ही टाइप का था, रोमांचित वाला था। पहाड़ों से पानी निकल रहा था यहाँ पर। हाय गाइज, मैं हूँ कमल शर्मा। अभी मैं आया हूँ वादी साहब। ये पीछे देख रहे हैं, नदी है। ये ओमान की राजधानी मस्कट से 150 किलोमीटर दूर एक नदी है, वहाँ पर आया हूँ मैं। आपको सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पीछे बोट भी हैं, शायद आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए वो पीछे देखिए, ये बोट भी हैं। इस बोट से अंदर जाएंगे, देखेंगे अंदर क्या है नज़ारा। सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पहली बार आया हूँ मैं आपको घूमने के लिए। इससे पहले मैं आया ही नहीं था, पहली बार आया हूँ। ओमान की राजधानी मस्कट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से हम 160 किलोमीटर दूर आए हैं। ये नदी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो नीचे जो बटन है उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपको मैं ले चलता हूँ, ओमान का नदी दिखाता हूँ, ओमान का वादी साहब दिखाता हूँ। ये कोई रुका हुआ पानी नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये ओमान का एक नदी है। और ये नदी को पार करने के लिए ये बोट है, नाव, इसी पे बैठ के हम इस नदी को पार करेंगे। गाइस पीछे देखिए, कितने सारे फॉरनर है मेरे पीछे देखिए। ये सारे फॉरनर हैं, बाहर से ओमान घूमने के लिए आए हैं। ये लोग शिप में, ये नाव में घूम के आए हैं, आगे जाके बोट में। गाइस अब हम इस बोट में बैठेंगे, बोटिंग करेंगे। इस बोट में बैठेंगे अब हम, अब पानी में जाएंगे, नदी में जाएंगे, आपको सब कुछ दिखाऊंगा। दादा आना, अक्कू और अक्कू आना। अभी हम वादी असम से आए हैं, तो हम बोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बोट चला रहे हैं, ओमानी है, यही की जनता है ओमान के। ये देखिए अभी हम बोट में बैठ चुके हैं। ये मेरे पीछे है ये भाई सैयद, भाई सैयद और मैं दोनों बैठे हैं और ये नाव को चला रहे हैं। ये देखिए हम आगे जाएंगे, और आगे चल रहे हैं, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। इस नदी को पार करके हमें आगे जाना था, तो इस नदी को पार करने के लिए इस बोट वाले ने, इस नाव वाले ने हमसे एक रियल लिया, यानी इंडियन 200 रुपये लिया। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कमल के फूल भी लगे हुए हैं। इस बोट वाले ने हमें किनारे पे लाकर छोड़ दिया है, अब किनारे से हम आगे को चलेंगे। यह है नदी का किनारा, यहाँ पर कुछ लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि नाव वाला छोड़ के भी जाएगा और लेने भी आएगा। बोटिंग करके आए और बोटिंग से उतर कर हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे का नज़ारा कैसा है, शायद हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, इससे पहले आए नहीं थे, इसलिए देखते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। गाइस देखिए, मेरा नाम कमल है, कमल शर्मा। तो यहाँ पर कमल के फूल हैं, लोटस फ्लावर, आप देख सकते हैं। ये नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के राष्ट्रीय फूल है, कमल का फूल, यानी मैं हूँ कमल। ये देखिए कितने प्यारे कमल के फूल हैं यहाँ पर। ये पूरे ये तालाब में, तालाब नहीं है सॉरी, एक नदी है। यहाँ पर इतने सारे कमल के फूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। और सामने पहाड़ है, ये देखिए सामने पूरा ऊंचा पहाड़ है। इतने ऊंचे पहाड़ के नीचे गहराई में ये कमल के फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। गाइज देखिए यहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन अभी खजूर का सीज़न नहीं है, खजूर का सीज़न चला गया है। खजूर का सीज़न जुलाई और अगस्त में होता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ओ माय गॉड, एक बार इस पहाड़ को देखिए, मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। देखिए इस पहाड़ की ऊंचाई कम से कम 100 मीटर है। वाह, देखते जाइए देखते जाइए, 100 मीटर की ऊंचाई है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। देखिए इसका छोर वहाँ पर है। और हम आगे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो कुछ लोग वापस आ रहे हैं घूम फिर कर। वापस आने के बाद फिर नाव में बैठेंगे और नदी को पार करेंगे, यानी नदी को आर पार करने के लिए नाव वाला है जो एक रेल लेता है। गाइज मुझे ओमान में 12 साल हो गए, आज तक मैं इससे बढ़िया लोकेशन में मैं आया ही नहीं था, पहली बार आया हूँ इतने बढ़िया लोकेशन में। बहुत बढ़िया जगह है ये, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, नदी है, सब कुछ है यहाँ पर। वाह मजा आ गया। यहाँ पर केले की बगीचे हैं, देखिए केले का बगीचा है, ये बहुत सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। नीचे है हरियाली और ऊपर इतना ऊंचा पहाड़, ये देखिए बहुत ऊंचा पहाड़ है, ये है पहाड़ का ऊपरी छोर। गाइस देखिए यहाँ पर केले लगे हुए हैं, देखिए ये देखिए, ये केला है, बनाना, ओमानी बनाना, ये ओमान का केला है। अभी हम केले की बगीचे में हैं।
ये देखिए सारे केले के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, कितने सारे पेड़ के केले के। गाइस देखो इस पहाड़ के बीच में यहाँ पर देखो खेतियाँ हो रही हैं, देखो चारों तरफ हरियाली है। यहाँ पर पपीता भी लगा हुआ है, पपाया, देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये लंबे लंबे पपीते हैं, अभी कच्चे हैं, ये ओमानी पपीते हैं, ओमान के पपीते। गाइज ये पैदल पैदल निकलना होता है हमें आगे जाने के लिए, यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती है, जो बोट था जो नाव था उसने हमें आधे रास्ते पे छोड़ दिया, उसके बाद हम पैदल पैदल जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे सारे मधुमक्खी होने चाहिए ना इसी जगह में, मधुमक्खी वहाँ वहाँ कैसे बनाया होगा, वहाँ पे देखो ऊपर वहाँ पे वो कुछ लकड़ी से लगा रखा है, वो क्या है वो ऊपर देखो ना, और अरे चार पांच लकड़ी नहीं वहाँ पे, कैसे पहुँच गए होंगे वहाँ पर, वहाँ से गिर गए तो। गाइज ऊँचे ऊँचे पहाड़ दोनों तरफ आप देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच में ये हरियाली है। ओमान की राजधानी मस्कट से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर कोरियात के पास में। यहाँ जितने भी टूरिस्ट घूमने के लिए आए हैं टोटल बाहर के हैं, फॉरेन के हैं, कोई लंदन के हैं, कोई फ्रांस के हैं, कोई इटली के हैं, यहाँ पर ओमान का एक भी नहीं है, ओमानी जनता एक भी नहीं है, क्योंकि सारे बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ। गाइस जो ये एरिया है इसको बोलते हैं वादी अल साब, यहाँ के वीडियो मैंने यूट्यूब में देखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बाद में मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खुद जाऊँ और इस जगह का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि आप लोग मेरे YouTube के फैमिली हो, मेरे परिवार हो, आप लोगों को दिखाना, आप लोगों को अच्छा मनोरंजन कराना मेरा यही उद्देश्य है। इस वजह से मैं आज अपने घर से ओमान की राजधानी मस्कट से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को ये वीडियो दिखाने के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शर्मा मिक्स ब्लॉग आपके भाई का चैनल है, क्योंकि शर्मा मिक्स ब्लॉग मैं आपका भाई हूँ, तो आपका भाई का चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आप लोगों के प्यार के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आभारी रहेंगे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस देखिए ये नीचे नदी है, पानी है, ऊपर टंकी रखा हुआ है, देखिए इतने ऊंचे पहाड़ पे टंकी ले जाके रखा हुआ है, देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाइट कलर की टंकी है। और पहाड़ की बात करें तो आप देखिए मैं पूरा पहाड़ दिखाता हूँ ऊपर तक, देखिए ये देखिए कितना ऊँचा है, ये देखिए बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़, ये देखिए पहाड़ का अंतिम चोर। गाइज इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में दिखाना संभव नहीं है, बहुत लंबा वीडियो होने वाला था, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बांटा है, ये पहला पार्ट है, तो पार्ट टू भी आएगा। पार्ट टू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, पार्ट टू इससे भी ज्यादा रोमांटिक और रोमांचित होने वाला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, पार्ट टू के वीडियो में। ओके बाय बाय।